दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो गर्मियों में अचार, पापड़ और मसाला बनाना पसंद करते हैं मेरी तरह? जी हाँ, और मैं तो घर के मसाले बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इस बार मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप मार्केट जैसा यानी कि बाज़ार जैसा प्योर मिर्च का मसाला पाउडर घर पे कैसे बना सकते हैं। सो आज का वीडियो उसी पर है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफ़िनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैंने दो तरीके की मिर्च खरीदी है। ये पहली वाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी कम होती है और खाने में अक्सर कलर बहुत ही अच्छा देती है, तो इसे कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके की दिखती है, सुखड़ी हुई। और दूसरी जो मिर्च है ये है छोटी वाली, जो काफ़ी तीखी होती है। दोनों ही मिर्चियों के मैंने डंठल तोड़ दिए हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 1 kg कश्मीरी मिर्च और 1 kg छोटी वाली लाल मिर्च खरीदी है। इनके डंठल अच्छी तरीके से तोड़ के इन्हें धूप दिखा दिया है 1 से 2 दिन तक। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस तरीके की बेकार क्वालिटी जो आपको बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी, उसे आप निकाल दीजिए और फेंक दीजिए, उसे कहीं यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी तरीके से साफ़ करके धूप दिखाकर आप मसाला स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपको एक मोटी परत की कढ़ाई लेना है, उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ़ करके गरम कर लेना है। याद रखिए कि उस कढ़ाई में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मसाले ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोटी परत की कढ़ाई ली है एल्युमिनियम की। मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है और मैंने यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है वो बहुत ही लो कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो छोटी वाली लाल मिर्चें हैं वो कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया है, और उसको अब मैं 15 से लेकर 20 मिनट तक अच्छी तरीके से रोस्ट करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए, वरना मिर्चियाँ जल जाएंगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, खास ध्यान, कि आप अगर फर्स्ट टाइम ये मसाला बना रहे हैं मिर्ची का, तो हाथ में ग्लव्स पहन के रखिए, वरना आपके हाथ बहुत जलेंगे। कभी कभी यह हाथ चेहरे पे भी चला जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। और बच्चों को भी थोड़ा दूर रखिए ये काम करते वक्त। सो अब जैसे कि मैंने कढ़ाई में ये मिर्ची को डाल दिया है और फ्लेम को लो कर दिया है, आपको इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भूनना है, यानी कि रोस्ट करना है कढ़ाई में। और ये देखना है कि मिर्चियाँ जले नहीं, ओके। उनमें ज़्यादा अगर झार आ रही है तो आपको फ्लेम बंद कर देनी है, ओके। यहाँ पे आपको मिर्ची को लगातार चलाना है। अगर आप मिर्ची को 2 मिनट के लिए भी छोड़ देते हैं किसी काम के वजह से, तो मिर्ची नीचे लगना शुरू हो जाएगी, इवन ऑन लो फ्लेम। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक मिर्ची दिखाती हूँ, ये मैं 2 मिनट के लिए कुछ काम कर रही थी और ये मिर्ची लग गई, ठीक है, लो फ्लेम पे भी। तो आपको लगातार ये मिर्चियों को चलाते रहना है। और यहाँ पर अब मिर्चियाँ अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं, अच्छे से टूट रही हैं। सो ये सारी मिर्चियों को एक बड़ी सी परात में यानी कि थाल में आपको निकाल लेना है और उन्हें ठंडा होने देना है। मिर्चियाँ यहाँ पे रोस्ट होने के बाद आपको मिक्सर लेना है, एक साफ़ सुथरा सूखा हुआ मिक्सर। और यहाँ पे ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए मिक्सर में, वरना आपका मिर्च मसाला पूरा ख़राब हो जाएगा। सो अब मैं इसे पीसूंगी इन मिर्चियों को। सो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से छोटी लाल मिर्च को पीस लिया है, जितना भी मेरे पास 1 kg का लाल मिर्च था। और आप कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, एकदम बाज़ार जैसा है। और सबसे अच्छी बात है ना फ्रेंड्स, कि ये प्योर है, घर का बना हुआ है, ठीक है। सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। और अब मैं इसे एक बड़ी सी परात में निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं दूसरा स्लॉट भी अच्छी तरीके से रोस्ट करके इसे पीस लूँगी मिक्सर में। और छोटी मिर्ची का मसाला रेडी हो चुका है। अब चलते हैं कश्मीरी लाल मिर्च मसाला बनाने के लिए। तो उसका भी प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। लो फ्लेम पे आपको ये कढ़ाई रखनी है और उसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है, और आप इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए लो फ्लेम पे, ओके। और लगातार चलाते रहिए, हो सके तो ग्लव्स पहन के आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्च को चलाने के लिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अपना हाथ ना जलाएं आप। इस तरीके से आप हल्के हल्के मिर्च को उछाल कर इसे रोस्ट कर सकते हैं।
और काश्मीरी लाल मिर्च को भी मैंने उसी तरीके से पीस लिया है। इसका भी कलर बहुत ही उमदा आया है, बहुत ही सुंदर आया है। इसको भी मैंने एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मेरी काश्मीरी लाल मिर्च का मसाला तैयार हो रहा है, यहाँ पे ये छोटी लाल मिर्च जो तीखी वाली है उसका मसाला तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है इसे भरनी में भरने की। तो याद रखिए, भरनी हमेशा आपको कांच की इस्तेमाल करनी है, आप स्टील की भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की अवॉइड कीजिएगा, प्लास्टिक की भरनियों को मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने भरनी ली है और इसमें मैं पहले जो छोटी लाल मिर्च वाले मसाले हैं उसको भर रही हूँ। और ऐसी एक भरनी में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर बनाया है उसको मैं भरूँगी। ये पूरे मिर्च के मसाले को किस तरीके से डब्बे में लंबे समय तक स्टोर करना है ये मैंने अंत में बताया है। इस वक्त मैं भरनी में मसाला भर रही हूँ, जो छोटी लाल मिर्च का पाउडर है और जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, दो अलग अलग भरनियों में भर के मैं आपको बताऊँगी कि आपको आगे इसे कैसे स्टोर करना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, भरनी में ज़रा सा भी पानी वानी नहीं होना चाहिए। अगर आप धो के वॉश करके अच्छे से रख रहे हैं तो उसे अच्छे से सुखा के इस्तेमाल कीजिए। और पूरा मसाला मैंने भर दिया है दोनों भरनियों में। अब मैं इसमें पहले टिश्यू डालूँगी और टिश्यू डालने के बाद ऊपर से मैं इसे ढक्कन से टाइटली बंद करूँगी ताकि किसी भी तरीके की मॉइस्चर अंदर ना जाए और मेरा मसाला ख़राब ना हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लाल मिर्च पाउडर का मसाला तैयार है पूरे साल के लिए। और अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।